दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में 16 साल की एक लड़की का शव मिला है। हत्या के बाद लड़की का शव नाले में फेंक दिया गया था। 16 साल की यह लड़की अकेले रहती थी। कुछ दिन पहले इसके भाई की भी हत्या हो गई थी। गुड़गांव पुलिस ने शातिर लुटेरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस लूट की साजिश कर रहे तीन बदमाशों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के आगरा में शराब के लिए एक भाई ने अपने ही भाई को गोली मार दी। शाहगंज इलाके में रहने वाला भीमा शराब के पैसे के लिए अपनी मां से लड़ रहा था। छोटा भाई सहदेव जो बीच बचाव के लिए पहुंचा था, बड़े भाई ने उसे गोली मार दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के बुलंदशहर में इलाज के दौरान एक महिला से छेड़खानी की गई। पुलिस ने आरोपी फार्मासिस्ट राजीव तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में 12वीं के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया गया। साथ ही सबूत मिटाने के लिए लाश पर नमक भी डाला गया। फरीदाबाद कोर्ट परिसर में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर अपने साथियों के साथ मिलकर शशि नाम के एक युवक की हत्या का आरोप है। महाराष्ट्र के जलगांव में छत गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। हादसा भदगांव इलाके में हुआ। भारी बारिश के बाद यहां अचानक मकान की छत और दीवार गिर गई। पटना के दीघा में हुए नाव हादसे के बाद अब भी 30 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नदी के बीचों बीच दो नाव की टक्कर हो गई थी। यूपी के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एक बार फिर से कानून तोड़ा है। सुल्तानपुर में धारा 144 लगाने के बावजूद भी राजा भैया का काफिला वहां से गुजरा। साथ ही सड़कों पर राजा भैया के समर्थक बिना किसी रोक टोक के हथियार लेकर घूम रहे थे। चंडीगढ़ में एलपीजी ऑटो चलाने वाले सैकड़ों लोगों ने रविवार को प्रदर्शन किया। ये लोग प्रशासन की मनमानी से नाराज थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डीजल ऑटो रिक्शा बंद करने की भी मांग की। चंडीगढ़ के सेक्टर 50 से रॉकेट लॉन्चर का जिंदा शेल बरामद हुआ है। पुलिस ने जिंदा बम को डिफ्यूज कराने के लिए आर्मी के पास भेज दिया है। पंजाब के होशियारपुर में विदेश भेजने के नाम पर नौजवानों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इनके पास से 109 पासपोर्ट भी जब्त किए गए। ये गिरोह अवैध तरीके से बेरोजगार नौजवानों को कुवैत भेजने की तैयारी में था। मोहाली में पंजाबी बचाव मंच के कार्यकर्ताओं ने हिंदी और अंग्रेजी में लिखे बोर्डों पर कालिख पोतने का काम शुरू किया है। बजरी खालसा की अगुवाई में इस मंच ने रविवार को एनआरआई वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के बोर्ड पर कालिख पोत दी। हरियाणा के यमुनानगर में महिला की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। अपराधियों ने ग्रीन पार्क कॉलोनी के नीलम बत्रा की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। गुड़गांव में विक्रांत का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पशु तस्करों ने विक्रांत की हत्या कर दी थी जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया था। असम के शिवसागर जिले में 6 उग्रवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 5 उग्रवादी उल्फा से जुड़े थे जबकि एक एनडीएफबी का सदस्य था। यूपी के मिर्जापुर में गंगा का पानी जबरदस्त तबाही मचा रहा है। गंगा किनारे बसे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। विंध्यवासिनी मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पानी पहुंच गया है। गुजरात सरकार ने बिहार के 75 किसानों को सम्मानित करने का फैसला किया है लेकिन बिहार सरकार इन किसानों को गुजरात नहीं भेज रही है। गुजरात के आनंद में एनआरआई बिजनेसमैन प्रफुल्ल पटेल ने कृत्रिम बाबा बर्फानी का निर्माण करवाया है। एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर की मदद से शिवलिंग को ठंडा रखा जा रहा है। सीरिया ने अमेरिकी धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर विदेशी फौजों ने सीरिया में घुसने की कोशिश की तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। भारत पाकिस्तान एलओसी पर लगातार हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने भारत पर बिना किसी उकसावे के फायरिंग का आरोप लगाया है।